आज हमारे बीच में डॉक्टर पंकज मोहन दांटा जी और MSc PhD ये नॉनी यूनिवर्सिटी से और एंटोमोलॉजी इनका स्पेशलाइजेशन है, लेकिन एक बहुत बड़ा वास्ट इनके पास नॉलेज जो हॉर्टिकल्चर का, क्योंकि इनका अपना भी ऑर्चर्ड है, आप कभी देखते हो नेटवर्क पे है सर उसको द्वारकाधीश ऑर्चर्ड जैसे जो है ना, जो उनका अपना ऑर्चर्ड है, जो ट्रेड मार्क जो इनका है ना वो द्वारकाधीश है, ठीक है, उसके नाम से जो भी है। तो सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे फार्मर है चंबा डिस्ट्रिक्ट के 24 फार्मर है और 5 ब्लॉक्स है, हमने 5 और बनमोहर छोड़ दिया क्योंकि उनका अलग वीडियो रखते हैं। तो अब हमारा चंबा बिल्कुल ही डॉक्टर साहब बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, मतलब कि कोई कोई फार्मर है जिन्होंने मतलब हाइड्रेंस से भी अडॉप्ट किया है और कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट एग्जिस्टिंग ऑर्चर पे है और जो नए लगाना चाह रहे हैं तो फिर मोस्टली वही है कि जिन्होंने थोड़े थोड़े लगा रखे हैं फार्मर पौधे, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग अब पूरे जैसे चंबा में 14 पोस्ट है SDU की, सिर्फ एक पोस्ट भरी हुई है तो कितनी की ट्रेनिंग करवा सकते हैं, मेरे पास भी 2 ब्लॉक। सबसे पहले तो ये PCDO अणु फार्म है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, हमारा जो ब्लॉक है जुब्बल कोटखाई है, तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ सीख के भी जाएंगे यहाँ से, क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट अभी एप्पल फार्मिंग में थोड़ा सा मैं कहूँगा नया है, ये बहुत पुराने ऑर्चर्ड वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बहुत पहले से ऑर्चर्ड है, 60s में यहाँ पर ऑर्चर्ड लग गए थे कोटगढ़ में और पहले लग गए, तो यहाँ पर लोगों को ये है कि पहले तो यहाँ पर भी फार्मिंग वैसे ही ट्रेडिशनल फार्मिंग चली, यहाँ पर आपने पुराने बगीचे अगर देखोगे तो वो ट्रेडिशनल तरीके से सीडलिंग पे पाल्टियों पे भी उगाए गए, बड़े बड़े पौधे 30-30 फुट के 35-35 फुट के भी पौधे हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि विद टाइम भाई आप भी अब बहुत सारे लोग हाई डेंसिटी पे जा रहे हैं, हाई डेंसिटी क्योंकि हाई डेंसिटी पे चंबा में बहुत स्कोप है, चंबा को कहते हैं स्लीपिंग टाइगर ऑफ हिमाचल, कि भाई अगर चंबा जाग जाए तो बहुत अच्छा सेब वहाँ पर पैदा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा फ्लैट एरिया भी आपके पास है, जैसा हम आप अगर चिड़गांव इतने के बाद जैसा प्लान है शेड्यूल है, आपने शायद चिड़गांव भी जाना होगा, तो वहाँ पर आपको क्यार मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने से क्या हुआ कि उस एरिया में क्यार खाली थे, तो वहाँ पर लगभग 13 क्लस्टर्स है HPHDP के अंदर, तो वो बहुत अच्छे क्लस्टर्स हैं और बहुत फ्लैट लैंड है, तो वहाँ पर हाई डेंसिटी बड़ा इजी हुआ बनाना और बहुत अच्छे वहाँ पर ऑर्चर्ड बने हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑर्चर्डिस हैं जो आप विजिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं बात करूँगा यहाँ पर PCDO की, ये 1952 में टेक ओवर हुआ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास था ये PCDO और 1980 में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने लिया। ये लगभग यहाँ पर 1985 में प्लांटेशन हुई सुपर चीफ की, रेड चीफ की, बहुत सारी यहाँ पर रूट स्टॉक पे ही प्लांटेशन यहाँ पर 1985 में हो गई थी। तो तब से लेकर लगभग 2012 में यहाँ का पूरा ऑर्चर्ड, ये जो आप चारों ओर देख रहे हैं, ये पूरा ऑर्चर्ड अपरूट किया गया, क्योंकि वो पुराना हो गया था, फिर क्वालिटी भी वैसी नहीं रही, एक टाइम आता है सेब का कि वो फिर वो क्वालिटी वैसी नहीं दे पाता, क्योंकि घना हो जाता है या उसकी एज हो जाती है, फिर वो क्वालिटी नहीं आती। तो उतने के बाद यहाँ पर ये जो चारों ओर आप देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये कुछ अलग तरह का लेआउट है, ये एक्चुअली बर्डवुड बैंक है, ये हमारा डेमो ऑर्चर्ड नहीं है, ये बर्डवुड बैंक है, सिर्फ कलमों के लिए रखा गया है। हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पर वैराइटीज़ हमने लगा रखी है और कौन कौन से रूट स्टॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल जो आपको देखने वाली चीज़ है, जो आया आप अब मेरे ख्याल से हम सीधे प्रैक्टिकली आ जाते हैं, जो ये आप साथ में देख रहे हैं नीचे, ये कारमेन पेयर है, ये लगभग जल्दी तैयार होती है यहाँ पर, ये लगभग 15 जुलाई के लिए रेडी हो जाती है, 15 जुलाई के लिए लगभग तैयार होती है। ये BA29 एक रूट स्टॉक है, इसको पर लगाया गया, यहाँ पर पैकम भी लगे हुए हैं, ये थोड़े से डेमो के लिए रखे गए थे, थोड़े ट्रायल्स वगैरह के लिए रखे गए थे, तो इसको हमने बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको मैनेज नहीं किया गया है, कुछ बीमारियाँ भी है इसमें देखने को दिख रही होगी आपको, बाकी हम एक बार विजिट कर लेते हैं। मैं रूट स्टॉक पर लगा हुआ है और 313 पौधे हैं, ये हमने थोड़े रखे थे पौधे ताकि देख सके हम बाद में सैंपल के लिए, और ये साथ में आप ये रूट स्टॉक हमने क्योंकि गैप था तो इसमें गैप फिलिंग के लिए हमने रूट स्टॉक यूज़ कर लिया, इसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसके ऊपर भी आएंगे बाद में, रूट स्टॉक के ऊपर भी बात करेंगे। एक बार हम बर्डवुड बैंक विजिट कर लेते हैं, तो रिसेंटली हमने खाली किया, यहाँ पर स्टोन फ्रूट्स लगने हैं हमारे बैंक के लिए, हमने ये गाला स्नीको गाला है, ये हमने उसके बर्ड के लिए ही मेंटेन कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो फ्यूचर में देखेंगे इसके लिए अगर कुछ स्ट्रैटेजी बनती है तो उसका ही हम डेमो बना लेंगे।
इसमें ट्रेलिस लगा के एक लाइन उखाड़ के, ताकि हमारे पास स्पेस भी बना रहे। इस तरह का हम प्लान करेंगे, जो हम सोच रहे हैं फिलहाल गवर्नमेंट का, सिर्फ बर्ड वुड देने का प्लान है। इसमें कहीं सैंपल अगर अभी बहुत कम सैंपल आए, कहीं कहीं दिखेंगे आपको, थोड़े थोड़े सैंपल आएगा यहाँ पर। इसके लिए आप देखो, एक तो यूज कर सकते हैं जैसे नीम वगैरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर बजट के थोड़े रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। हमने इसके लिए डाइक्लोरोवस भी यूज किया है, डाइक्लोरोवस भी अच्छे रिजल्ट देता है, जो नीचे वाले एरिया में हमने जो हमारा ये ऑर्चर्ड था इसमें किया था हमने। ट्रैप भी लगी हुई, हाँ ट्रैप लगा रखी है। पत्ते जो ओला पड़ा है क्या? नहीं, ये डिफोलेटर आता है शाम के टाइम में, कीड़ा आता है बीटल जैसा, ज्वेल बीटल भी बोलते हैं, ज्वेल बीटल का भी अटैक आता है। वो चमकीला आपको मैं दिखाऊंगा कैसे, हाँ ग्रीनी सा, हाँ हाँ इस तरह का भी आता है, बिल्कुल ज्वेल बीटल बोलते हैं वो आता है। बाकी सारा ये ट्रिप के अंदर है। ये हम इसका ट्रेनिंग भी, वैसे बर्ड वुड बैंक का जो ट्रेनिंग करते हैं पौधे की, उसमें सारे नए शूट्स को काट देते, कोटा ही रखते, ताकि हर साल नए शूट्स निकले। तो इसको हम अभी आगे फ्यूचर में जब भी हम इसमें कलमे लेंगे, तो इसके सारे शूट्स काट देंगे, ताकि उसे कलमे हम निकाल दें और छोटे छोटे स्टब छोड़ देंगे, और उसमें ताकि नए शूट्स निकले। हार्ड प्रूनिंग करते हैं, छोटा रखते हैं, बुश की तरह ही रखते हैं पौधे को। इस तरह जैसे हमारे अभी प्लांट है इस तरह के, वो उठने रहे तो कैसे उसको हम कर सकते हैं? अगर आपके स्पर आ गया, सभी प्लांट एकदम बीमे बन गए हैं, बहुत ज़्यादा स्पर हो गए हैं, तो एक तरीका तो देखो आप इसको, अगर उसमें कोई कम्पिटेटिव शूट्स साथ में चल रहे हैं, जैसे ये दो शूट्स चल रहे साथ में, तो आपने एक शूट तो चाहे समर्स में भी आप आजकल में भी निकाल दे, मेन शूट जो कम्पिटेटिव शूट्स है ना, हमेशा उसको निकाल दे, और उसके में बीमा छटाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। मतलब उसमें सारे बीमे हैं, ऊपर से थोड़ी सी ग्रोथ चल रही है, बाकी तो बीमे ही बढ़ रहे हैं और फ्रूट ही आ रहा है उसमें। आपने रीप्लांटेशन साइट पे लगाया, मतलब पहले नहीं, पहली बार से भी ऐसे मिले थे ना, रेड जी पर ये मिले क्या, सारे उसमें पहले से ही फ्रूट था। कोई नहीं, उसमें लाया जा सकता है, उसमें आप एक तो हार्ड कट दो, हार्ड कट देने से उसमें बीमे छांट दो, उसमें हार्ड कट दो आप, तो उससे शूटर निकलेंगे। जैसे शूटर्स निकलते हैं, तो जो कम्पिटेटिव शूटर इधर उधर के शूट निकलेंगे, जो साथ में निकलेंगे शूट, इनको उड़ा देना, आपने बस मेन रखना, बीच वाला रखना, क्योंकि अगर जब तक उसको हार्ड कट नहीं करेंगे ना आप, वो बीमे वो ग्रोथ नहीं आने देंगे पौधे में, वो हो सकता है उसमें फ्रूट भी लग जाए। फ्रूट बहुत आ रहा है, फ्रूट आपने नहीं लेना है, अगर आप फ्रूट लेंगे उससे तो वो ग्रोथ में नहीं जाएगा, वो उसमें नई ग्रोथ आएगी। दो तीन साल तो अवॉइड ही करो ना, वैसे करना पड़ेगा, वैसे उसमें जितना हो सके उसको हार्ड कट करो आप ना, थोड़ा हार्ड कट करो, थोड़ा बीमे या तो बीमे छांट दो, बिल्कुल काफी बहुत कम कर दो। अगर इस हाइट का पौधा है ना, उसमें दो ब्रांचेस तीन ब्रांचेस लो नीचे, दो ब्रांचेस लो बल्कि घुटने से ऊपर, आपके घुटने से नीचे कोई टहना नहीं होना चाहिए अगर आप हाई डेंसिटी में कर रहे हैं। और कोशिश करो कि अगर आपका सन फेसिंग है, मतलब साउदर्न फेसिंग या वेस्टर्न फेसिंग है, मतलब या तो पश्चिम की तरफ फेस कर रहा है या साउथ की तरफ दक्षिण की तरफ, आप ईस्ट डायरेक्शन में पहला टहना लो, और वो घुटने से ऊपर ही होना चाहिए आपका, घुटने से नीचे कोई टहना नहीं रखना है आपने। कई बार हम क्या कर देते हैं ना, कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये एक्चुअली अभी डेमो ऑर्चर्ड नहीं बन रहा है, ये हमारे पास बर्ड वुड बैंक है, हमने तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स लेने, तो आप देख रहे होंगे इसमें घुटने से नीचे भी टहने हैं, हम आपको नीचे वाला बगीचा दिखाएंगे, उसमें घुटने से नीचे कोई टहना नहीं है। तो डेमो इसमें तो हमने कलमे लेनी है, तो हमारे को सिर्फ शूट्स चाहिए, इसीलिए सारे आप देख रहे होंगे इसमें, पर डेमो ऑर्चर्ड में या आप अगर आप बगीचा तैयार कर रहे हो, तो घुटने से नीचे कोई टहना नहीं होना चाहिए। एक तो वो क्यों नहीं रखते, वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि कल दिन जब वो पौधा बढ़ेगा, तो घुटने से नीचे वाला टहना पूरा ज़मीन में हो जाता है। अगर तो आप बिल्कुल सिंगल स्पायरल सेंट्रल लीडर पे ही मॉडिफाई कर रहे हैं या स्पिंडल बुश पे कर रहे हैं ट्रेन पौधे को ना, तब तो आप रख सकते हैं नीचे, क्योंकि उसने टाइम पे ही बियर करना है, पर फिर भी घुटने से नीचे आपने नहीं रखना है, घुटने से नीचे टहना रखना ही नहीं। बाकी आजकल अगर पौधों में ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आजकल समर प्रून कर सकते हैं आप पौधे को, उसमें जितने भी दो दो तीन तीन टहने निकल रहे हैं लीडर के साथ, तो वो काटने, और आपने ये कोशिश करनी है कि जो लीडर है उसकी जितनी थिकनेस है, उसकी थिक जो बाहर के टहने आ रहे हैं उसके साथ जो टहने निकल रहे हैं, जो जिसको बोलेंगे प्राइमरी टहना, जो मतलब मेन लीडर से निकला हुआ टहना, वो कभी भी लीडर की 50% जितनी थिकनेस है, मतलब उसका आधे से कम ही होना चाहिए। अगर वो उसके बराबर है या आधे से मोटा है, तो उसको काट दो, आप हमेशा वो पौधे को बढ़ने ही नहीं देगा। आप मेरा बात पॉइंट समझे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हम क्या कर देते हैं ना, कि जो टहने निकल रहे हैं ना लीडर से, वो बहुत मोटे हो जाते हैं, वो लीडर से भी मोटे हो जाते हैं, तो वो पौधा कभी बढ़ेगा नहीं। तो उसका भी डच कट लगाएं, क्या कह रहे हैं? डच कट कर दीजिए, हाई डेंसिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वाला ना, जो डॉक्टर बता रहे हैं। लो हाइट में तो ऐसा हो रहा है, पर उसमें एक दिक्कत और आ रही है, ग्रोथ तो मेन लीडर ले भी रहा है, साइड का मोटा है उसमें, मतलब उसका फॉर्मेशन नहीं हो रही, मोटी टहनी
वो तो आपने रखना ही नहीं है। अगर कोई भी आपके लीडर से ज्यादा विग्रस रहना है, ज्यादा ओजस है उसमें, ज्यादा विगर है, तो उसको हमेशा आप डच कट कर दीजिए, ताकि उसका विगर भी कम हो जाए और जो ग्रोथ लीडर उसके लिए जा रही थी वो लीडर में आ जाए। वो तो आपने को करना ही है। बाकी नाइट्रोजन एप्लीकेशन देखो, यंग आपका टारगेट होना चाहिए हाई डेंसिटी में, 3 से 4 साल में आपका हाइट अचीव हो जाना चाहिए। आप कैसे लेआउट करते हैं, जब आप बगीचा लगाते हैं तो जो रो से रो का डिस्टेंस किस चीज़ पे निर्धारित करते हैं कि रो से रो का डिस्टेंस कितना हो, ये हाइट ऑफ प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर आप रो से रो का डिस्टेंस मान लीजिए आपके 6 फीट है या 9 फीट मान लीजिए, तो प्लांट की हाइट आप कितनी लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.2। तो 1.2 से मल्टीप्लाई करने से उसका हाइट, मतलब आप जो पौधे की हाइट लेंगे वो 12 फीट तक लेंगे। वो इसलिए बोला जाता है कि ताकि जो पहला रो है उसका जो छाया है, जब सनराइज करे इससे, तो जो आगे वाली रो है उसकी छाया अगले वाली रो के तने पर पड़े, ना कि उसकी कैनोपी पे। इसीलिए ये वाला फैक्टर लगाते हैं हम, 1.2 मल्टीप्लाई विद स्पेस बिटवीन रोज, जितनी रोज के बीच में कितना स्पेस है, कितनी जगह है। तो मतलब अगर 9 फीट आपने रखा है तो पौधे की हाइट आप 12 फीट से ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि तो उसको 1.2 से मल्टीप्लाई लगभग 8 फीट रख लीजिए आप पौधे की हाइट, अगर 6 फीट। अगर तो बहुत ज़्यादा सनी साइड है ना आपकी, तब तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी जगह में सनबर्न भी बहुत होता है, तो थोड़ा सा क्राउडेड भी होगा, घना भी होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धूप बहुत है। 1 मीटर पे रखे वैसे सिंगल रो, वैसे खेत भी सिंगल ही था, उसमें 1 मीटर पे लगाए। वो तो प्लांट टू प्लांट है ना, पौधे से पौधे की है 1 मीटर। हाँ जी, वो बाकी रो तो लगी नहीं, वो सिंगल ही था, खेत भी सिंगल था, उसमें सिंगल एक ही रो लगाई है। तो उसमें तो फिर 12 फुट सिस्टम क्या लगाएं सर, उसमें फिर वर्टिकल लगाएं या टॉल स्पिंड क्या उसमें? उसमें देखो आप अच्छी ब्रांचेस ले सकते हैं, थोड़ी ब्रांचेस, कौन सी वैरायटी कौन सी है? सुपर चीफ को देखो बहुत ज्यादा ग्रोथ लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है सुपर चीफ में। जैसे आपका रेड विलॉक्स है, जेरोमाइन है, ये वैरायटी थोड़ी विगर वाली है, इसमें ग्रोथ बहुत आती है। अगर आप ऐसी जगह में पौधा प्लान बनना बगीचा तैयार करने वाले हैं जहाँ पर या तो आपकी पहले से साइट है, जहाँ पर पहले से बगीचा था वहाँ पर लगा रहे, नया बगीचा है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी सॉइल है तो हमेशा आप सुपर चीफ वैरायटी ले सकते हैं। जितनी भी स्पर वैरायटीज़ है, सुपर चीफ है, स्कारलेट्स है, या किंग रॉट भी सेमी स्पर जैसी वैरायटी में आ जाता है, काफ़ी मतलब जेरोमाइन के मुकाबले जल्दी बीमे बनाने वाली किस्म है। तो ऐसी वैरायटीज़ को आप ऐसी जगह में चूज़ करते हैं जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा पत्थर है या बहुत अच्छी ज़मीन नहीं है, या आपको लगता है कि बहुत फर्टाइल ज़मीन नहीं है, काली ज़मीन नहीं है, तो वहाँ पर आप जेरोमाइन, रेड विलॉक्स ऐसी वैरायटी चूज़ करो, गालास, जिसमें बहुत ज़्यादा ओजस है, विगर है, तो ऐसी किस्मों को आप ऐसी जगह के लिए तैयार करें। और बाकी जैसे आपने बोला ना कि मॉडिफाइड सेंटर लीडर करे या टॉल स्पिंडल बुश करे, वो स्पेसिंग पे भी डिपेंड करता है। आप वहाँ पर थोड़ा सा विगर लो, उनमें टहने बनाओ आप, क्योंकि आपकी एक पटड़ी में एक ही रो लगा हुआ है, तो आपके पास इधर उधर जगह है बहुत ज़्यादा उसमें। अगर आप टॉल स्पिंडल पे ट्रेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी, उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी भी, क्योंकि एक धड़ यहाँ पर है, दूसरा ऊपरी तरफ है, खेल है ना, इस तरह से होगा ना, स्लोप भी है, तो आप थोड़ा सा उसमें लो टहने लो उसमें, ताकि आप उसमें प्रोडक्शन ले सके ना, थोड़ी तभी प्रोडक्शन आएगी आपके। अगर खासकर ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट आता है, पाला बहुत पड़ता है, तो ऐसी जगह में आप रेड विलॉक्स और किंग रॉट अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टिंग आ रहा है, क्योंकि थिन स्किन वैरायटी है, पतली इनकी चमड़ी ना, जो फल की चमड़ी वो बहुत पतली है, वो जो पाला पड़ता है उससे वो रिंग बन जाता है पीछे, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रेड विलॉक्स में और किंग रॉट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है ये। तो इसके लिए अगर आप एक वैरायटी बचती है फिर जेरोमाइन अच्छी वैरायटी है, जिसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता, उसमें है, पर रेड विलॉक्स और किंग रॉट के मुकाबले कम उसमें फ्रॉस्ट डैमेज होता है, पाले से होने वाला जो नुकसान होता है वो कम होता है। कैसे रोक सकते हैं? रोकने के लिए देखो दो तीन लगा तो दी हमने, हाँ, देखो फ्रॉस्ट को कैसे रोका जा सकता है, एक तो आप जैसे जो टाइम होता है आपके, अगर अप्रैल में पेटल फॉल होता है, मतलब 15-20 अप्रैल के टाइम में पेटल फॉल होता है, वैरायटी वाइज वैसे चंबा में लगभग 15-20 अप्रैल तक पेटल फॉल होना शुरू होता है, तो उस टाइम आप जैसे सुबह के टाइम में, क्योंकि ज़्यादा फ्रॉस्ट सेटलमेंट होता है, ज़्यादा फ्रॉस्ट पड़ता है, तो उस टाइम आग जलाना, उलाव करना, इस तरह के काम कर सकते हो। और उस टाइम में आप अपने खेतों को ना साफ रखो, जितना ज़्यादा घास होगा ना उतना ज़्यादा फ्रॉस्ट होगा, उतना ज़्यादा फ्रॉस्ट सेटलमेंट होता है, जितना ज़्यादा घास होगा, तो आप क्लीन रखो उसके। अगर तो आपके गाय वगैरह तब तो गाय के लिए भी आ सकता है घास, पर जिनके गाय नहीं होते यहाँ पर वो ग्लाइफोसेट यूज़ कर लेते हैं, पूरा ग्लाइफोसेट मार के पूरा साफ रखते हैं ताकि कम फ्रॉस्ट हो। बाकी देखो तरीका, बाकी ग्रोथ रेगुलेटर्स है,
हमारे डिपार्टमेंट में रिकमेंडेड नहीं है, पर हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, ज़रूरी नहीं फॉगिंग हो तो, क्योंकि उससे आपका वेस्टेज कम होता है ना फॉगिंग से। जहाँ पर आपके चार ड्रम पड़ रहे हैं, आप फॉग गन यूज़ कर रहे हैं या अच्छी गन यूज़ कर रहे हैं, तो आपके दो ड्रम में हो जाता है वो। वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है, हमें तो बताने की जरूरत है। अगर ग्रोथ के लिए अगर जैसे नए नए लगाए तो उस ग्रोथ के लिए कौन सा, जैसे अभी देखो न्यूट्रिशन जड़ों की डेवलपमेंट के लिए फॉस्फोरस ज़रूरी है। जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम जरूर डालें, आधा किलो फॉस्फोरस सिंगल सुपर फॉस्फेट। विंटर में आएगा ना? हाँ, आप प्लांटेशन के टाइम में कह रहे हैं ना कि आप लग गया है पौधा, उसके फ्रूट निकाल लेने के बाद कौन से डालें? उसमें जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश का बैलेंस डोज डालें, जैसे आपके 12-11-18 एक अच्छी बैलेंस फर्टिलाइजर है, उसमें दो फॉर्म में आता है, अमोनिकल और नाइट्रेट, दोनों फॉर्म में नाइट्रोजन आता है। तो अमोनिकल जो नाइट्रेट फॉर्म है एकदम मिल जाती है पौधे को, और जो नाइट्रेट अमोनिकल फॉर्म है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसलिए उसमें लीचिंग कम होती है, मतलब जो बह जाता है ना खाद। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के साथ एक ही तो दिक्कत है, उसमें लीचिंग बहुत क्विकली होती है, पौधा जितने टाइम में लेता है उससे जल्दी लीच हो जाता है। जैसे आपका यूरिया बहुत जल्दी लीच कर जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट थोड़ा कम, अमोनिकल फॉर्म जो जिसको हम कैन कहते थे पहले, अब तो बैन हो गया है, तो वो बहुत धीरे से लीच होता है क्योंकि उसको सोलिबलाइज होने में टाइम लगता है। वो अमोनिया पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट फिर नाइट्रोजन में जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं आप, हार्वेस्टिंग के बाद में एक डोज कैल्शियम नाइट्रेट। 3 साल प्लांट की कितनी डोज रहेगी उसकी? 3 साल का प्लांट, उसका ग्रोथ, उसका हाइट कितनी है? ये वाला उसकी 100-150 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, सफिशियंट है। अगर आप 3 स्प्लिट्स में, देखो नाइट्रोजन हमेशा स्प्लिट्स में डालनी चाहिए, एक आपकी जैसे सिल्वर टिप स्टेज है उस स्टेज पे नाइट्रोजन डालो, अप्रैल में तो मेरे ख्याल से आपका आगे निकल जाता होगा, मार्च 15 में यहाँ पर आता है, 15 मार्च को यहाँ पर सिल्वर टिप बनता है इस जगह में, यहाँ पर थोड़ा और अर्ली बनता है, यहाँ 10 मार्च को बन जाता है। अगर यहाँ से थोड़ा सा आप और, ये जगह तो लगभग 1100-1200 मीटर है, तो अगर आप और ऊपर जाएंगे लगभग 2000 मीटर पर, तो वहाँ पर 15 मार्च तक सिल्वर टिप बन जाता है। वो स्टेज होती है, मतलब आप डेट मत रखो, आप अपने बगीचे में स्टेज देखो आपकी सिल्वर टिप कब है, उस टाइम में एक नाइट्रोजन का एप्लीकेशन होना चाहिए। फिर आपके अगर फ्रूटिंग वाले पौधे हैं तो आपके जैसे ही पेटल फॉल होता है उस टाइम एक सेकंड एप्लीकेशन होना चाहिए, बशर्ते आपके मॉइस्चर हो। कई बार क्या होता है मॉइस्चर नहीं होता, लोग फर्टिलाइजर डाल देते हैं, वो नमी आती है, फिर जाके जून में आई, फिर वो नाइट्रोजन अब ठीक हो जाता है एकदम ही, क्योंकि ड्राई चल रहा था अभी तक, तो सोलिबलाइज नहीं हुआ, फिर वो नाइट्रोजन आपको तो फिर कलर में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये प्रॉब्लम। ये अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, फाइटोप्लाज्मा जैसी प्रॉब्लम, हमने आपने देखा होगा उन पौधों में येलो मार्क करके, हम वो मार्क करके हमने उनसे कलमें नहीं देनी है हमने, और ये रूग आउट करना है हमने, निकालना है। ओके, कुछ इसके लिए हमने लिखा है कमेटी लिखने बनाने के लिए ना, कमेटी बनाई जाए इसके लिए, बाकी हमने येलो मार्क करके वो देखेंगे।